हेलो गाइस, सब्सक्राइब करने का नाम है, लाइक करने का नाम। सो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे में वैक्स क्रेयॉन्स लेना है, जैसे इसमें रेड पिंक, ओके। फिर उसके बाद हमें उन्हें ऐसे फिल करना है, फिर हम उन्हें मेल्ट करना है। तो पहले इसे मेल्ट कर लेते हैं। बाय बाय। सो गाइस, हमारी आधी कैंडल मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसे और अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। लोग देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रही है। सो इट्स अ फेस रिवील। आई एम द यीशु कबरगोटी फ्रॉम सिक्स क्लास। टुडे आई एम प्रेजेंट हियर द कैंडल, होममेड कैंडल डेकोरेटर। ओके गाइस, गाइस हमने ये पूरी तरह से मेल्ट कर ली है। एंड कितनी अच्छी तरह से नहीं हुई, पर हमने जानबूझ के ऐसी करी है। तो अब हम इसे जला के ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी, अभी रात नहीं हुई है, रात के समय ट्राई करते हैं। जब तक के लिए गाइस बाय बाय। नाइट हो चुकी है, तो अभी देखते हैं भाई जला के। तो गाइस अब हमें होममेड कैंडल को इतनी अच्छी, यानी कि इसकी ग्लो एंड ब्राइट है। देखिए, देखते हैं कितनी देर तक नहीं बुझी। तो सब्सक्राइब नन्हे कदम, लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ एंड कमेंट। ओके गाइस, तो गाइस ये एक घंटे बाद भी, ये अभी इसको 15-20 मिनट हुए हैं, ये अभी तक जल रही है। इसका मतलब अच्छी कैंडल है गाइस। इनका ट्रीज बता देती हूँ मैं अब आपको। आप चाहे तो व्हाइट वैक्स यूज कर सकते हैं, 12 वैक्स क्रियॉन्स को मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करने के लिए हमने पॉलीथीन में बंद किया था, इनके पॉलीथीन में बंद करके फिर हमने इन्हें रोल में रैप करके फिर हमने इन्हें मेल्ट किया था, वो भी कैंडल के जरिए। मैं आपको उस कैंडल को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वो कैंडल जिसके जरिए पूरी मेल्ट हुई है मॉम। Mm-hmm.